जिनवाणी काहे के लिए सुन रहे हो, समझने के लिए कि जिनवाणी सुनने के लिए? सुनने और समझने में समझते हो? नहीं समझते, बताता हूं। सिक्कों में गुरुवाणी चलती है, क्या चलती है? 24 घंटे। तो कभी तुम नोटिस करना, उनके वो आते रहते वीडियो वगैरह देखना, उनमें सुनने का कुछ समझने का कुछ भी नहीं, वे समझते ममझते बिल्कुल नहीं है, वहां सिर्फ सुनना ही धर्म है। गुरुवाणी तुम्हारे कानों में पड़ जाए तो उनका सिस्टम है, वे जाएंगे उसका वो करेंगे और बैठ के 5 मिनट सुन के चले जाएंगे। 5 मिनट में भी क्या सुनना इससे मतलब नहीं, वो एक सिस्टम है कि भाई आओ 5 मिनट गुरुवाणी कानों में पड़ गई तो चले जाओ। तुम्हारे यहां भी ऐसे ही है, तुम्हारे यहां सिर्फ समझने का ढोंग करते हैं, समझते बिल्कुल नहीं। तुम भी गुरुवाणी सुनते हो, ख्याल में आया कि नहीं आया? बस चुपचाप सुनते रहो और निकल जाओ। कि कैसे पता पंडित जी आपको? कि तुम्हारा जीवन बताता है कि तुम कुछ नहीं समझते, क्योंकि 10 साल तो मुझे हो गए ख्याल है सुनाते सुनाते, और 10 रुपए का फर्क नहीं है, ख्याल में आया कि नहीं आया? और सुनो, फर्क नहीं है ये तो छोड़ो, जब कोई आता है तब भी मैं आके देखता हूँ, ख्याल में आया ना? तो नहीं जम से हाजी हाजी चलती रहती है कि क्यों? कि कहीं भी अंदर जागृति नहीं है, कहीं भी होश नहीं है कि ये बात किस अपेक्षा चल रही है, इसका क्या अर्थ है, इसमें क्या अर्थ निकल रहा है, ये बात सही है कि नहीं है, ये बात कैसे कही गई, कुछ नहीं। कि नहीं साहब, हम तो सिर्फ अंदर से तो सब समझते हैं। अंदर से सब समझते हो तो भी कोई एक्शन नहीं है जीवन में, तो वो समझना क्या मतलब? एक्शन समझते हो? एक्शन माने बदलाहट, विचार, गहरा विचार। दिन भर में ऐसा ऐसा विचार चलने लगे कि भाई साहब 2-4 दिन बाद तो आपके मन से ऐसे प्रश्न निकलने लगे कि भैया हम रोज तत्व विचार कर रहे हैं और हमें जी जी बाधा आ रही है, हेल में है कि नहीं है? अंदर जो है आप जो कह रहे हैं वो भाव बनते नहीं, हम देखते अंदर हमें बहुत ही परिणाम चलते। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी भी इस अवसर की कीमत पता नहीं है कितना कीमती है। देखो भाई, ये जो जीवन है ना, ये जीवन में सबसे बड़ी एक स्थिति ये है मनुष्य की कि जो चीज़ इसे सहज और सरलता से मिलती है इसकी उसे कीमत पता नहीं चलती, पक्का पता है ना, है कि नहीं? और जो चीज बड़ी मुश्किल से मिले, बहुत मुश्किल से मिले, हमारी हर चीज में आदत है। देखो, तुम 200 रुपए की शर्ट खरीदो तुम्हारा पहनने का स्टाइल बदल जाता है, और 2000 की रखने का पहनने का स्टाइल बदल जाता है, और 20,000 की और 2 लाख की अंदर पड़ता है कि नहीं पड़ता? अभी टमाटर 20 रुपए किलो मिले, तुम्हारे रहने का रखने का खाने का ढंग बदल जाता है, और 150 रुपए किलो हो जाए सब्जी में डालना कितना ये भी सोचने लगते हो, फिर पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तुम्हारी दो ही आदतें पड़ी हुई हैं, कीमत तुम वस्तु की नहीं देखते, तुम उसकी वैल्यू लगाते हो, हर चीज की क्या लगाते हो? वैल्यू। और इसीलिए इतनी प्रॉब्लम है जीवन में कि तुम्हारा हमारा भाग्य इतना अच्छा है कि हमें ये सहज ही तत्व ज्ञान मिल गया, और इतना दुर्लभ है ये आपको पता ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि आपने इसके लिए कुछ किया ही नहीं, कुछ किया आप लोगों में से किसी ने? बताओ कि हमने तत्व ज्ञान के लिए साहब ये पहाड़ चढ़ा था, बताओ। यहां तक कि सम्मेश शिखर में पारसनाथ की टोंग पे जाके जितनी पारसनाथ की महिमा आती है उतनी भी महिमा तत्व की नहीं आती। क्या कहा मैंने? पारसनाथ तो गए हो ना, वहां पहुंच के भगवान की जितनी, क्योंकि बहुत दूर बैठे, मैंने आपको बताया था सब मनोविज्ञान दूर बैठाने का भी, क्योंकि अगर भगवान पास में बैठा देंगे तो तुम कुछ करोगे ही नहीं। तो मुझे तो कभी कभी शक होता है कि जरूरी नहीं भगवान उतने ऊपर से गए हो, कभी तो नीचे ही से गए हो, लेकिन उनको पता था जी आम पब्लिक को ऊपर पहुंचाना जरूरी है। तुम एक भी तीर्थ बताओ किसी का जो नीचे हो,
वैष्णो देवी जाओ तो महा मुश्किल, मक्का मदीना जाओ तो महा मुश्किल, शिखर जी जाओ तो महा मुश्किल, जितने भी गिरनार जी जाओ तो महा मुश्किल, और जो मुश्किल नहीं है वहां तुम जाते नहीं। पावापुर कोई नहीं जाता, क्योंकि पावापुर में ना पहाड़ है ना कुछ है, ऐसे ही भगवान बैठे, जरा सा पार करो सब भगवान आ जाते हैं। सो ये महावीर किसी को पसंद ही नहीं। गए हो पावापुर? गए कि नहीं गए? गए होगे ना। उस पावापुर अपन सिर्फ उसके लिए जाते हैं एंट्री पूरी करने के लिए, माने वो 24 की एंट्री पूरी करनी ना, तो ये 20 तो यहीं निपट गए समय सफर में। अब एक वहां पे है वो अलग से, और एक वो चंपापुर में बांसपूज क्या है, है? और एक वो कौन से कहाँ पे है वो कैलाश पर्वत पे, कि कैलाश, वो कैलाश पर्वत तुम्हारे बस की नहीं है ना, असली तो वहीं मेहमा आए तुम्हें, ख्याल में आया कि नहीं आया? और ये बच गए गिरनार जी वाले, सो गिरनार जी चढ़ जाते हो, नहीं है वहाँ कुछ भी तो भी चढ़ जाते हो, कहते चढ़े बिना तो बात बनेगी, वो तो पहाड़ चढ़ाओ भैया हमें तो। तो ये तुम्हें आदत है, ये मनोविज्ञान है कि तुम्हें मेहनत कराओ, और ये सब जानते हैं जितने भी लोग हैं, वे सब जानते हैं कि आम पब्लिक कैसे जीती है, इसलिए तुम्हें धर्म कठिन, खाओ पियो मत, ये भूखे रहो, उपवास करो, ये तुम्हें ताकि लगने लगे। तुम्हारी जो इमेजों के चक्कर में तुम्हें जीवन में धर्म मिलना कितना दुर्लभ हो गया तुम समझ नहीं सकते। ये इमेज इतनी बुरी चीज़ है, ऐसे तुमने धर्मात्माओं की इमेज बना रखी है, निर्वृत्ति होना चाहिए, दाढ़ी रख ली है किसी ने, कोई ऐसे ऐसे बाल रख लिए किसी ने, कोई ब्रह्मचारी बन गया, किसी ने वैसे कपड़े पहन लिए, किसी ने कपड़े उतार दिए, बस ये धार्मिक आदमी। नॉर्मल आदमी को तुम धार्मिक मानने को तैयार ही नहीं समझ में आया? अपने हृदय पे हाथ रखो, तुम धार्मिक किसे मानते, तुम्हारी धर्म की क्या परिभाषा? तुम भले ही कहते हो बाहर से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम सारा धर्म बाहर से ही मानते हैं। नहीं मानते हो तो बोलो कैसे, कि अभी भी आपसे मैं कहता हूं आप सम्यक दृष्टि किसे मानते हो? अगर आप इमेज से नॉर्मल आदमी को सम्यक दृष्टि मान लो तो मेरा नाम फेर देना, आपकी इमेज बनी हुई है कि सम्यक दृष्टि तो भैया कैसा होगा, निर्वृत्त होगा, ऐसा बैठा होगा, ऐसा रहता होगा, ऐसे चलता होगा, ऐसे बोलता होगा, भले ही तुम कहते हो कि नहीं सम्यक दृष्टि, लेकिन अंदर में नहीं मानते। कि दुनिया में जितने ढोंग धतूरे चल रहे हैं, ये सब ढोंग धतूरे तुम्हारी इमेज बनने के कारण चल रहे हैं। तुमने जो इमेज बना रखी है सब चीज़ों की, ये भगवान की पूजा जो वहाँ पे जाके समय से करके पहाड़ पे चढ़ के जो समय इमेज, इतनी मेहनत करी चढ़े ऊपर हो पार्श्वनाथ भगवान, क्यों? तो मैं क्या समझा रहा था कि ये तत्व ज्ञान जो वास्तव में महादुर्लभ है। अरे दौलत राम जी तो कहते हैं कि चिंतामणि रत्न पर्याय, चिंतामणि रत्न वो समुद्र में गिर जाए जैसे उसका मिलना मुश्किल है, ऐसे ही त्रस की पर्याय में आना मुश्किल है। माने एक इंद्री से दो इंद्री हो जाए इतना मुश्किल है, और फिर दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, और पांच से संगी इतना मुश्किल है, और संगी से सच्चा तत्व ज्ञान मिल जाए। अब हमें ये तत्व ज्ञान मिल गया, हमने कुछ किया है नहीं, इसलिए हमें इसकी कोई वैल्यू समझ में आती नहीं।